पुरुषोत्तम मास अध्याय 19वां पुरुषोत्तम मास महिमा। हे तपोनिधि ब्राह्मण सुदेव के बिनती भरे प्रश्न का प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वह आप सुने। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, कुएं में गिरकर तेरा पुत्र मर गया। तब से शोक में और दुख में आप पति पत्नी वहां बैठे हो। अनजाने में भी अन्न जल त्याग किया। वह समय पुरुषोत्तम मास का था। पवित्र मास में जो कोई मनुष्य एक भी उपवास करे तो उसके अनंत पाप जल जाते हैं, जबकि आप पति पत्नी तो सारा मास उपवास में रहे। अचानक बारिश आने से आपको स्नान फल भी मिला। उस तरह अनजाने में भी आपसे पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। इस व्रत के कारण ही आप मुझे प्रिय हो। आगे बोलते कहा, एक वक्त ब्रह्मा ने देवों की समक्ष एक तराजू में वेद के सब साधन और दूसरे तराजू में पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा। तब व्रत वाला पल्ला नीचे झुक गया। इसीलिए ही पुरुषोत्तम मास को ज्यादा फलदायी माना गया है। इसीलिए सब देवों भी पुरुषोत्तम मास के गुणगान गाते हैं। उनके परिणाम से तू पुत्र सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक में गए। सजीवन हुए पुत्र को लेकर पति पत्नी अपने घर गए। वक्त बीतते अधिक मास आते ही विधि विधान सहित पुरुषोत्तम मास का व्रत उन्होंने किया। इस व्रत के प्रताप से बहुत सुख भोगकर आखिर में वैकुंठवासी हुए। वहां भी हजारों साल तक सुख भोगकर पृथ्वी पर दधन्वा राजा बनकर तुमने जन्म धारण किया। तेरी गुण सुंदरी नामक जो पत्नी है वह अगले जन्म में गौतमी थी। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री है। पूर्व जन्म में सुखदेव नामक पुत्र तोता बन के अवतार लेकर आया है। वह अपने पिता को पहचान गया और उनको मुक्ति के मार्ग पर लाने के लिए जंगल में पेड़ नीचे बैठकर दधन्वा को उपदेश देता है। राजा की सुख समृद्धि का कारण पुरुषोत्तम मास का व्रत है। इस तरह दधन्वा राजा का संदेह वाल्मीकि मुनि ने पूर्व जन्म के वृत्तांत सुनाकर शंका मुक्त किया है। पुरुषोत्तम मास वार्ता 19 चार चिड़िया की कथा। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत थी। धर्म प्रेमी लोग सुबह उठकर नदी में स्नान करने गए थे। स्नान विधि खत्म करके काठा गोरमा का पूजन करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर थोड़ी बहनें नजदीक में आए हुए बरगद के वृक्ष के नीचे बातें करती थी। आज उनकी बात का पुरुषोत्तम मास के व्रत के बारे में था। बहनों में से एक बहन बोली, उस पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास का बड़ा महत्व है। उपवास करता है उसे जरूर फल मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बहन बोली, आपकी बात सच्ची है। इसमें उपवास भी तरह तरह के किए जाते हैं। कोई पूजा उपवास करता है, कोई धारणा पारणा करता है, कोई एक टंक करता है। जैसा व्रत का प्रकार ऐसा फल व्रत करने वाले को मिलता है। तीसरी बहन बोली, आपकी बात सच्ची है। जो पूर्ण उपवास करते हैं उसको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है, वह राजा रानी बनते हैं। जो धारणा पारणा करते हैं वह श्रीमंताई वैभव भोगता है। जो एक टंक करते हैं उसे मध्यम स्तर का सुख प्राप्त होता है। जो व्रत दरमियान उपवास करते नहीं हैं और जो मिले वह खाते रहते हैं वह कनिष्ठ मानते हैं, उसे भाग्य में कुछ मिलता नहीं है। चौथी बहन बोली, हम पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं और व्रत के नियम न मानो तो यह अच्छा नहीं है। सब अच्छे नियमों को मानना चाहिए, उसमें अपना ही हित होता है और व्रत किया है वह सफल होता है। बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई बहनों की यह बात पेड़ पर बैठी हुई 4 चिड़िया सुन रही थी। चिड़िया अंदर अंदर चर्चा करने लगी, यह बहनें जो बात करती है वह सच्ची है कि गलत, उसकी हम परीक्षा करेंगे। 4 चिड़िया में से बड़ी चकली ने पूर्ण उपवास करने का निश्चय किया। दूजी ने धारणा पारणा करने को कहा। तीजी ने एक टंग करने का और चौथी ने सबसे छोटी चिड़िया ने बताया कि बहनों, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, इसलिए मैं तो पेट भरकर खाकर व्रत करूंगी। मुझे कोई जात का बंधन रखना नहीं है। ऐसा करते करते पुरुषोत्तम मास खत्म हुआ। यकायक कुछ होते ही चारों चिड़िया मर गई। यह चारों चिड़िया गांव के नगर सेठ के वहां एक के बाद एक बारी बारी जन्म लिया। सेठानी को पहला लड़का था। वह लड़का और 4 लड़कियां मिलकर सेठ सेठानी को 5 संतान हुए। लड़के को 4 बहनें मिली। लाड़ प्यार से पलती चारों लड़कियां बड़ी होने लगी। उम्र लायक होते ही सेठ सेठानी ने उनका ब्याह करने का निश्चय किया। सबसे बड़ी लड़की राजा के कुंवर को पसंद आई, इसीलिए वह ब्याह करके राजमहल में गई। दूसरी लड़की का ब्याह नगर सेठ के समान ऐसे श्रीमंत के पुत्र के साथ हुआ। वह 5 मंजिले की हवेली में गई। तीसरी लड़की को एक सुखी घर में विवाह हो गया। सबसे छोटी लड़की का ब्याह एक गरीब घर के लड़के के साथ हुआ। यह सब भाग्य की बात है। भाग्य का भेद भगवान भी पहचान सकते नहीं है।
चारों लड़कियों के विवाह के बाद सेठ सेठानी ने तय किया कि अब हमारे पुत्र का विवाह करवा देना चाहिए। उन्होंने अपने जैसा समान घर ढूंढकर पुत्र का विवाह तय कर दिया। उन्होंने चारों लड़कियों को विवाह में आने का निमंत्रण भेज दिया। चारों में से जो सबसे छोटी थी वह निमंत्रण मिलते ही मायके में पहुँच गई। उससे बड़ी विवाह के 3 दिन पहले पहुंच गई। उससे बड़ी विवाह के 2 दिन पहले आई। जबकि सबसे बड़ी थी वह विवाह के अगले दिन मायके पहुंची। सेठ सेठानी और लड़कियों ने इकट्ठा मिलकर भाई को धूमधाम से विवाह कर दिया। भाई का विवाह कर सब घर आ गए। 2-4 दिन लड़कियों ने मायके में खुशियां मनाई। अब लड़कियों ने अपने घर जाने का तय किया। विदाई का वक्त आया। पुत्री कोई प्रसंग पर आई हो तो माँ बाप को कुछ देना पड़ता है। नगर सेठ ने बड़ी लड़की को 15 तोला का हार दिया। उससे छोटी लड़की को 10 तोले का हार दिया। उससे छोटी लड़की को 5 तोले का हार दिया। जबकि सबसे छोटी लड़की थी उसको सोने के बदले 2 जोड़ कपड़े और 5 थैली गेहूँ दिए। उसका भेदभाव भरे व्यवहार से सबसे छोटी लड़की का दिल जलने लगा। वह रोने लगी। तब सबसे बड़ी बहन ने कहा, बहन तू रो मत, हर एक को पूर्व जन्म की करनी अनुसार फल मिलता है। अगले जन्म में हम 4 बहनें चिड़िया थी। अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान का व्रत हमने लिया था। उसमें तूने व्रत के वक्त खाने पीने के नियम रखे नहीं थे, इसीलिए तुझे गरीबाई मिली। तुझसे बड़ी ने एक टंग किया था, उससे उसे सुखी घर मिला। उससे बड़ी ने धरना पारना किया था, इसीलिए उसे धनवान घर मिला। जबकि मैंने व्रत का दरमियान पूर्ण उपवास किया था, उसके फलस्वरूप मुझे राजकुटुंब मिला है। यह सब मुझे अगले जन्म याद रहने से मैं तुझे बताती हूँ। अब याद रखना है कि जब पुरुषोत्तम मास आए तब पूर्ण श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत करना, सारा महीना स्नान करना, काठा गौरमा का पूजन करना, दान दक्षिणा देना और पूर्ण उपवास करके पुरुषोत्तम भगवान का नाम स्मरण और भक्ति करना, जिससे अब तू तेरा आगे का जन्म सफल हो सके, तू भी सुखी होगी। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन का असंतोष दूर हुआ। उसने सोचा, मेरे माँ बाप का उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु भाग्य से ही ये सब होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।